चलिए आज मेरे साथ आप लोग भी डेंथस की रिपोर्टिंग करिए। ये कुछ पौधे मैं डेंथस के लेके आई थी। एक्चुअली क्या है ना कि यूपी और बिहार में तो ठंड बहुत अच्छे से शुरू हो जाती है, लेकिन गुजरात में ठंड थोड़ा लेट शुरू होती है। यहाँ पे अभी ये मिल नहीं रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। ये पौधे मेरे हेल्दी बहुत नहीं हैं, लेकिन चूँकि यहाँ पर इतनी गर्मी है ना कि अभी इनके नर्सरी वालों ने अभी मंगाना इसको शुरू किया है। तो प्रॉब्लम ये है कि पौधे बहुत हेल्दी नहीं हैं, नहीं तो काफ़ी बड़े हो जाते हैं, और हम लोगों को शौक़ है तो लगाना भी है इसमें, इसलिए मैं लेके तो आई हूँ और लगा भी रही हूँ। देखिए इसका मैं सॉयल मीडिया मैंने जो लिया है वो आपको बता दूँ। सॉयल मीडिया में ये है इसके 20% गार्डन सॉयल है, 20% मैंने सैंड लिया हुआ है, 20% मैंने कोकोपीट लिया है, और 20% आपका ये है गोट मैन्योर, 20% बर्मी कंपोस्ट, और कुछ नीम खली है। देखिए इसमें आप पहले मैंने ये नॉन वूमेन क्लॉथ लगाया, ड्रेनेज होल इसका बराबर होना चाहिए, गमले का डेप्थ कम होना चाहिए, कम से कम 5 इंच तक ही आप मिट्टी भरें, और इसमें इसको काफ़ी अच्छी धूप की ज़रूरत होती है। धूप में कम से कम ऐसी जगह रखें जहाँ आपके 3-4 घंटे धूप इसको मिलती रहे। पानी हमेशा ऐसे ऊपर ना डालें, पौधे को हटा के यहाँ पे रूट में पानी डालें। और इसकी डेड हेडिंग, जैसे ये फ्लावर है ना, ये देखिए फ्लावर आपका सूख गया है, तो इसको आप कट कर दें, क्योंकि ये रहेगा ना तो ये बीज बनाएगा, और बीज बनाएगा ना तो फ्लावरिंग कम होती है, क्योंकि पौधे की जो एनर्जी होती है ना, या तो आप कैंची से इसको प्रून करें, होता है तो हाथ से कर दें। जब आपको बीज लेना हो लास्ट में, जैसे जनवरी फरवरी में आपको बीज लेना है, तो आप इसके फूल को रहने दें 3-4 फूल को, जितनी बीज चाहिए। लेकिन वैसे आप इसकी डेड हेडिंग जितनी करेंगे ना, उतना ही ये प्लांट ग्रो होगा और फ्लावरिंग होगी। और मन एक महीने में आप 3-4 DAP के दाने, थोड़ा रॉक फॉस्फेट डाल दें, और बीच बीच में आप जैसे अनियन पील का पानी है, और केले के छिलके का आप पानी फर्टाइल करके बना लें, वो आप हर महीने डालते रहें। तो इसी आधार पे मैं तो लेके तो आई हूँ, क्योंकि हेल्दी नहीं है ये, आपको दिख रहा होगा, ये देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं इनको हेल्दी बनाऊंगी और आपको अपडेट भी दूंगी एक महीने के अंदर, क्योंकि कोई भी प्लांट अपना ग्रोथ करने में टाइम लेता है। तो यही आज हमारे डेंथस की रिपोर्टिंग है। करीब 10 प्लांट मैंने खरीदे हैं। यहाँ पे गुजरात में थोड़ा प्लांट महंगे भी बहुत हैं, और वो भी बहुत हैं, बहुत लेट आते हैं ठंड के प्लांट। गर्मी के प्लांट तो आपको बहुत ईजीली मिल जाएंगे। यहाँ के लिए एडेनियम बहुत प्रॉस्परस है, लेकिन और जेड प्लांट ये सब थोड़े कम होते हैं।